केसीएल फार्मेसी ऐप में। और सबसे पहले सब आपको बहुत बहुत थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए। जो आपने ये कोर्स परचेज किया, आपका एक पर्टिकुलर अलग से ग्रुप बना है जिसमें मैं आपसे बात कर सकता हूँ जिन्होंने इस कोर्स को परचेज किया है। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है CNS स्टिमुलेंट ड्रग। जी हाँ, आपके सामने दिखा है दिस इज द CNS स्टिमुलेंट ड्रग, ये चैप्टर नंबर 1 है। तो इस चैप्टर का आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए इस चैप्टर में 4 चीजें हैं। पहला आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन के CNS क्या होते हैं, दूसरा है CNS स्टिमुलेंट का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन और ड्रग्स। ठीक है, बस ये 4 टॉपिक पढ़ के हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। और खत्म होने के बाद आपको इसी कोर्स के अंदर आपको नोटिफिकेशन, यानी आपको इसी में नीचे आप देखेंगे तो आपको PDF लिंक में इस पूरे चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा। यानी एक चैप्टर और एक टॉपिक पूरा पूरा आज का खत्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, बात करते हैं इंट्रोडक्शन में कि CNS क्या होता है। देखिए दोस्तों, CNS को मतलब समझिए, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इट इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड आपको पता है कि हमारे पूरे बॉडी में, अगर हम अपने पूरे बॉडी की बात करें तो इस पूरे बॉडी के हमारे जो सेंट्रल पार्ट है, इस सेंट्रल में जो यहाँ एक पार्ट है वो होता है ब्रेन। क्या होता है दोस्तों, ब्रेन। और ब्रेन से पीछे सेंट्रल ही लाइन में इसी एक्सिस पे होता है स्पाइनल कार्ड। यानी कि स्पाइनल कार्ड और ब्रेन ये हमारे बॉडी के पूरे सेंट्रल में स्प्लेस्ड होते हैं, इसलिए ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की स्टडी को ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो हम इसमें अगर पॉइंट वाइज देखना चाहें तो नोट्स ऑलरेडी आपको मिलेगा। जरूरी नहीं मैं इसको इंग्लिश एक्सप्लेन करूँ, अगर आप इसको चाहते हैं तो। बिकॉज ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड इज सिचुएटेड सेंट्रली एंड दे कंट्रोल द ऑल ओवर फंक्शन ऑफ द बॉडी, सो दे आर कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ब्रेन से अब क्या होते हैं, अलग अलग न्यूरॉन्स निकलते हैं जो अलग अलग ऑर्गन में जाते हैं। उसी तरह से स्पाइनल कार्ड से भी अलग अलग न्यूरॉन्स निकलते हैं जो अलग अलग ऑर्गन में जाते हैं। तो ब्रेन से निकलने वाले न्यूरॉन्स को बोलते हैं क्रेनियल नर्व। क्या बोलते हैं दोस्तों, दिस इज कॉल्ड क्रेनियल नर्व। और स्पाइनल कार्ड से निकलने वाले नर्व्स को बोलते हैं स्पाइनल नर्व। ठीक है, दिस इज क्रेनियल नर्व एंड दिस इज स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व 12 होते हैं, आपको पता होगा। ऑल्फैक्टरी, ऑटोमोटर, है ना, ट्राइजवाइडल, पैथेटिक, ऑब्ड्यूशन, पूरे करके पूरे 12 हैं। और इसमें स्पाइन आपको 31 पेयर होता है ना, आपको याद होगा, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉर्डल करके ऑलरेडी HFP में पढ़ाया गया है। तो ये जो है क्रेनियल नर्व है। अब ये क्या करते हैं, जो आपके क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व है ये निकल के कहाँ जुड़ते हैं, पर्टिकुलर ऑर्गन से। तो वो किस तरह से जुड़ते हैं वो भी अलग मैटर करता है। और ये 2 तरीके से जुड़ते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक, ठीक है, और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो इसको मैं एक बार फिर से रिपीट करूं तो बहुत ध्यान से समझिएगा। यानी कि हमारे जो सेंट्रल बॉडी के पार्ट में है वो है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। ब्रेन से निकलता है क्रेनियल नर्व, स्पाइनल कार्ड से निकलता है स्पाइनल नर्व। और ब्रेन और क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व जाके अलग अलग ऑर्गन से जुड़ते हैं। यानी हमारे बॉडी में लीवर है, हार्ट है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, स्मॉल है, लार्ज है, स्टमक है, सारी की सारी किससे जुड़ी है, हमारी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की न्यूरॉन से। तो क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व जिस तरह से जुड़ते हैं वो भी 2 तरीके के होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो डिवीजन कैसे है, देखिए डिवीजन क्या है कि क्योंकि बीच में क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को बोलते हैं CNS। क्या बोलते हैं दोस्तों, CNS। और CNS से क्या निकलता है, CNS से निकलता है क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। तो क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व को बोलते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड PNS। यानी CNS से क्या निकला, PNS। और PNS का फुल फॉर्म क्या होता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। क्योंकि सेंट्रल से जो पेरीफेरल का मतलब होता है साइड से, क्योंकि देखिए सेंट्रल के साइड से पेरीफेरी से निकल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम से जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। इसको बोलते हैं ANS, दिस इज कॉल्ड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। यानी हमको इस चैप्टर में CNS पढ़ना है। आने वाले आगे चैप्टर में हम PNS और ANS के बारे में पढ़ेंगे। तो मोटा मोटी हम इस चीज को समझ चुके हैं दोस्तों कि जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है वो CNS है, इससे निकलने वाले जो क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व है वो PNS है, और इनसे जुड़ने वाले जो न्यूरॉन्स है वो ANS है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ANS में 2 प्रकार होते हैं, 2 टाइप होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। क्लियर हो गया, ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट कि CNS का मतलब क्या है और सेंट्रल क्यों है, क्योंकि हमारे बॉडी के सारे फंक्शन, सारे ऑर्गन, सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं वो हमारे CNS करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे थोड़ी सी कि जो CNS स्टिमुलेंट ड्रग है ये, अब इसमें सीएनएस में काम करने वाली ड्रग कौन कौन सी हो। इंट्रोडक्शन पार्ट आपने समझ लिया, नोट्स में ऑलरेडी सब कुछ लेक्चर मेंशन है सारे पॉइंट्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरा पार्ट इसका दोस्तों कि सीएनएस के साथ साथ अब ये इसमें कई प्रकार की कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं। जैसे कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हमारे सीएनएस को एक्टिवेट करती है, यानी इसे आप रात को सो रहे हो, आपको नींद आ रही है, आपको पढ़ाई करनी है तो आप कहते हैं चाय पी लो। कुछ बच्चे सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग सुर्ती खा के पढ़ते हैं। उसमें क्या है, निकोटीन है, कैफीन है, जो हमारे ब्रेन को जगा के रखता है, स्टिमुलेट करता है, उसको डिप्रेस होने से रोकता है। तो जो हमारे ब्रेन को जगा के रखता है उसे बोलते हैं सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग। क्या बोलते हैं? सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग। तो इसका डेफिनेशन आपके सामने आ गया कि दोज ड्रग्स विच स्टिमुलेट आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड या आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू एक्टिवेट द ऑल ओवर फंक्शन ऑफ द बॉडी, इट इज कॉल्ड सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग। कितना आसान हो गया ना। अब बात करते हैं, अच्छा कुछ कभी कभी हमको ब्रेन को शांत भी करना होता है। कैसे? जैसे किसी को मिर्गी आ गई, किसी को बेटी आ गई, उसको बॉडी में बहुत झटके आ रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में उसके बॉडी से ब्रेन को शांत करना जरूरी है। तो उस केस में जो हम ड्रग देते हैं वो क्या होते हैं, वो एंटी कन्वल्सन ड्रग होते हैं। कौन से ड्रग होते हैं? एंटी कन्वल्सन। भाई देखो ये सब ड्रग किससे जुड़ी हुआ है? सीएनएस जुड़ा हुआ है। अगर हमारा किसी का ब्रेन में कोई इंसान पागल हो गया है, पागल होने के साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहा है, एक्टिविटीज कर रहा है, किसी को मार रहा है, गाली दे रहा है, चिल्ला रहा है, तो उसके ब्रेन को शांत करना है। तो ब्रेन को शांत करना है, डिप्रेस करना है, तो उस केस में जो ड्रग देंगे उसका नाम क्या होगा? सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग। क्या नाम होगा उसका? उसका नाम हो जाएगा सीएनएस डिप्रेसेंट। तो सारी दवाइयां किससे जुड़ी हुई है? सीएनएस से। और अगर किसी इंसान का मस्तिष्क एकदम शांत हो गया और डिप्रेशन में चला गया है तो उसको फिर से एक्टिवेट करना है, तो हमको देना है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। क्या देना है? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं जो हमारे सीएनएस से रिलेटेड है दोस्तों। तो हमको क्या करना है, इन सब चैप्टर को बाद में पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग की, कि ये क्या होते हैं हमारे सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग, ठीक है। तो सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग को फिर से डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि दोज केमिकल एजेंट्स और ड्रग्स विच स्टिमुलेट द फंक्शंस ऑफ ब्रेन एंड इट्स एक्टिविटी और एंड ऑल ओवर फंक्शन ऑफ द बॉडी, दे आर कॉल्ड सीएनएस स्टिमुलेंट, ठीक है। ये उसका डेफिनेशन हो गया। अब सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग के कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग। पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि इट शुड बी एक्टिवेट द सीएनएस एक्टिविटीज एंड ऑल ओवर द फंक्शन ऑफ द बॉडी। दूसरा क्या होना चाहिए, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ द सीएनएस डिप्रेशन ब्रेन, जो किसी का डिप्रेशन हो गया बॉडी में उसके हेल्प के लिए होता है। थर्ड प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं, सब कुछ नोट से मिलेगा आपको, कि इट हेल्प्स टू रिमूव द कन्वल्जंस इन ब्रेन, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये इसके अलग अलग एक्शन है। अब हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन क्या है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। तो सीएनएस के जो ड्रग्स है क्लासिफिकेशन, उसको दो कैटेगरी बांट सकते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल मतलब वो होते हैं जो हमारे कहाँ होते हैं, जो प्लांट से मिलते हैं या एनिमल्स, और सिंथेटिक मतलब जो बनाए जाते हैं। तो देख लेते हैं इसको। अब आपको ड्रग कैसे याद करना, मैं आपको बताता हूँ मजाक में। जो सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग होते हैं फ्रेंड, दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल और एक होते हैं सिंथेटिक। अब आपको इनके नाम याद करना। अगर आपको नाम याद है और स्ट्रक्चर याद है तो खत्म केमिस्ट्री, उसमें तो कुछ पढ़ रही नहीं है। जैसे आप नेचुरल देखते हैं कि भाई अगर आपको किसी को नींद नहीं आए, अगर रात भर नींद नहीं आए तो सीएनएस स्टिमुलेंट देना पड़ेगा। तो लोग क्या करते हैं, कॉफी खाते हैं। जब बारात में आप नाचने गए तो वहाँ कॉफी मिलता है और फल मिलता है। तो नेचुरल ड्रग कौन से हैं? कॉफी था, फल था, बारात में। अब भाई इसमें कॉफी था, फल था, बारात में, तो इसमें ड्रग कहाँ है? ड्रग अभी दिखाता हूँ। कॉफी से हो गया कैफीन, था फल से हो गया थियोफाइलिन, जो कि जैंथीन डेरिवेटिव होते हैं, और था बारात से हो गया थियोब्रोमीन। देखिए कितना आसान था, आपको बिना मेहनत के याद हो गया तीन दवाइयां सीएनएस स्टिमुलेंट की, कॉफी था, फल था, बारात में। नेचुरल क्या होता है? कैफीन, जो कि जैंथीन डेरिवेटिव है, थियोफाइलिन और थियोब्रोमीन। याद हो गया चुटकियों में, बस इनका स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, काम खत्म। बाकी करें अब सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब क्या होता है भाई, तो कॉफी और फल तो नेचुरल रहता है बारात में, लेकिन बारात में सबके पास अपने अपने पार्टनर नहीं होते, सब शादीशुदा होते नहीं है। तो कुछ लोग शादीशुदा होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। तो जो शादीशुदा होते हैं वो सिंथेटिक है, बाद में रिश्ता हुआ है, तो उनके लिए क्या ट्रिक है कि लिपट के निकिता बलंग से खाई अफीम मिठाई। आई रिपीट अगेन, लिपट के निकिता बलम से खाई अफीम मिठाई। जब लिपट के निकिता बलम से अफीम खाएगी तो सीएनएस उसका स्टिमुलेट हो जाएगा, सीएनएस स्टिमुलेट हो जाएगा। तो लिपट से क्या हो गया? लेप्टोजोल, लेप्टोजोल। निकिता से निकेतामाइड, निकेतामाइड, ठीक है। बलम से क्या हो गया आपका, ठीक है, ब्लैमोट्राजोल हो गया या ब्लैमोट्रिजीन हो गया, ब्लैमोट्रिजीन। और खाई अफीम मिठाई, अफीम से हो गया एम्फेटामिन। दोस्तों अफीम से हो गया एम्फेटामिन और मिठाई से हो गया मेथैम्फेटामिन। ओके, तो कौन कौन से ड्रग हो गए, लेप्राजोल, निकेथामाइड, ब्रोमोट्रिजीन, एम्फेटामिन और मेथैम्फेटामिन, यानी ये सारी दवाइयां आपको एक बार में याद हो। तो बात करेंगे, अगला ड्रग है हमारा निकेथामाइड। निकेथामाइड का स्ट्रक्चर आपके सामने आपको दिख रहा है। जी हाँ, एक पिरिडीन रिंग है 6 मेंबर्ड और उस पिरिडीन रिंग में आप क्या देख रहे हैं कि आपको एक ग्रुप लगा हुआ है जिसमें डाई एथिल, नाइट्रोजन के साथ डाई एथिल ग्रुप है और CO। तो CO डबल N को आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमाइड लिंकेज बोलते हैं। तो डाई एथिल है तो डाई एथिल एमाइड हो गया और इसके साथ जो रिंग लगा हुआ है वो कौन है, निकोटीन रिंग है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, केमिकल नेम NN डाई एथिल निकोटिनामाइड। ओके, निकोटीन रिंग में डाई एथिल ग्रुप, एमाइड ग्रुप लगा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा NN डाई मेथिल निकोटिनामाइड। तो नाम आपको याद हो गया। बाकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए, पहला तो ये पेल येलो क्रिस्टल, ये पीले का क्रिस्टल होगा, ठीक है, जिसका जो कैरेक्टरिस्टिक, जो इसका टेस्ट या ऑर्डर है वो बिटर होगा, यानी सूंघने में थोड़ा सा कड़वाहट और टेस्ट भी इसका कड़वा होगा, ठीक है। बाकी बात करें इसका टेस्ट, ये सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल है पूरी तरह से। एक्वस सॉल्यूशन जो होता है उसको हम लोग फिल्ट्रेशन या ऑटोक्लेव करके इसके एक्वस सॉल्यूशन को स्टरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ गिवन आइदर बाय द इंट्रामस्कुलर, इसको हमेशा इंजेक्शन के फॉर्म में IV, IM या सबक्यूटेनियस इसको हम दे सकते हैं। और इसका सोल्यूशन करीब 25% WV यानी सोल्यूशन इन्फ्यूजन फॉर्म में भी आता है मार्केट में। इसका नॉर्मल डोज 1 से 4 ml दिया जाता है लगातार। और ये बेसिकली रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, मॉर्फिन और वोलेटाइल एनेस्थेटिक्स के साथ इसको दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये था हमारा निकेथामाइड, बहुत आसान है, इसको आप समझ गए होंगे, नोट्स में ऑलरेडी मेंशन है। दूसरी ड्रग की अगर हम बात करें, यहाँ पे दूसरा ड्रग हमारा है वो है बेमेग्राइड। ओके, बेमेग्राइड का स्ट्रक्चर देखिए, थोड़ा सा अलग अजीब सा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। यहाँ पे 2 डबल CONH यानी एमाइड ग्रिंकज है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा है कि बीटा पोजिशन पे एथिल ग्रुप और बीटा पोजिशन मेथिल ग्रुप आप देख रहे हैं। वहाँ पे अल्फा बीटा, बीटा पे देखिए एक आपको एथिल दिख रहा है, दूसरा मेथिल दिख रहा है। तो नाम क्या हो जाएगा, बीटा एथिल, बीटा मेथिल और ग्लूटारामाइड। ये जो रिंग है उसको बोलते हैं ग्लूटारामाइड। तो ग्लूटारामाइड इसका ये स्ट्रक्चर का नाम होगा। प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये बिल्कुल जैसे आपने मॉर्फिन पढ़ा था, ये वस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, बिटर टेस्ट होता है, स्प्रेंगली सॉल्युबल इन वाटर होता है। इसका जो सोल्यूशन जो होते हैं वो ऑटोक्लेव करके स्टरलाइज करते हैं, बिल्कुल सेम जो आपने कैफीन में पढ़ा था, बिल्कुल कैफीन वाला ही आपको लिखना है। बाकी बात करें, सेम वही रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट होता है, ठीक है। बारबेचुरेट के पॉइजनिंग के केस में इसको यूज़ करते हैं। इसका 50 मिलीग्राम का डोज देते हैं 10 मिनट के इंटरवल के साथ साथ, और इसका डोज धीरे धीरे 1 ग्राम तक हम लोग बढ़ाते जाते हैं, हर 10 मिनट पे डोज को बढ़ाते हुए, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अगली ड्रग की बात करें तो एम्फेटामिन सल्फेट, ये BP यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया के हिसाब से है। स्ट्रक्चर देखिए, रिबेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे आपको दिखेगा एक कार्बन की चेन है जिसमें कि लास्ट में NH2 ग्रुप लगा है, ठीक है, और सल्फेट यहाँ पे लिंकेज है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा मेथिल फेनिलमीन, ठीक है, सल्फेट। ये फेनिलमीन क्या है, ये आपका देखिए, आप ये तरह का एक तरह का आपने पढ़ा होगा, फिनाइलमीन का एलानिन जो होता है आपका अमीनो एसिड, उसी का डेरिवेटिव है फिनाइलमीन। तो अल्फा मेथिल फिनाइलमीन सल्फेट इसका नेम है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एम्फेटामिन जो होता है वो एक सॉल्ट है, एम्फेटामिन बेस का। ये एक बेसिकली वाइट पाउडर या स्प्रेंगली बेस टेस्ट के साथ आता है, वाटर सॉल्युबल होते हैं। एक्शन एंड यूज़ की बात करें तो करीब इसको 5 से 10 मिलीग्राम के डोज के साथ इसको दिया जाता है, और या इसको पेरेंटल रूट के ट्रीटमेंट के साथ भी हम लोग दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला है एम्फेटामिन सल्फेट, इसको मेथाम्फेटामिन, मेथैम्फेटामिन हाइड्रोक्लोराइड है। बस एम्फेटामिन के साथ एक चीज़ कर दिया हमने, NH2 में जो था एक रिंग में हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे आप देखिए एक CH3 ग्रुप लगा दिया और CL लगा दिया, ये हो गया हमारा मेथैम्फेटामिन हाइड्रोक्लोराइड। इसका केमिकल नेम बिल्कुल वैसा ही होगा, बस 1 मेथिल 2 फेनिलमीन मेथिल अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, यहाँ पर मेथिल ग्रुप लगाया जाएगा। प्रॉपर्टीज आप जानते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक सॉल्ट के फॉर्म में अवेलेबल है, इसलिए इसको मेथाम्फेटामिन बेस भी कहते हैं। ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, स्प्रेंगली सॉल्युबल विटर सॉल्ट होते हैं, और ये वाटर में, अल्कोहल में, क्लोरोफॉर्म में भी ये सॉल्युबल होते हैं, बिल्कुल एज इट इज पॉइंट आपको लिखना है। एक्शन एंड यूज़ की बात करें तो इसको ओरली देते हैं, ये टैबलेट्स के फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इसका डोज जो होगा 5 मिलीग्राम होता है, एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी के लिए अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो। और जो ड्रग है, टेंडेंसी है टू प्रोड्यूस द हैबिटेशन एंड टॉलरेंस के लिए इसको यूज़ करते हैं। बाकी देखा है तो नंबर ऑफ ड्रग्स इसके रिलेटेड है, जो कि एंटी एम्फेटामिन जो है उसको ये सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग होता है, क्योंकि ये सिम्पैथोमिमेटिक एक्शन के लिए बॉडी में यूज़ करते हैं, ठीक है। ढेर सारे इसके एक्टिविटीज़ होते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा पूरा का पूरा इसके ड्रग्स, अब ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 1 पूरी तरह से खत्म, इसमें सारे ड्रग है। अब आप जाके वहाँ पर PDF नोट्स ले सकते हैं और चैप्टर 1 हमने यहाँ पर खत्म किया। थैंक यू।